खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के अलवर राजगढ़ से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जहरीलाल मीना के बेटे पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। मिश्रा ने पीड़िता को न्याय दिलवाने में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा की अगुवाई में एक दल बुधवार को अलवर में पीड़िता के घर पहुंचा और परिवार वालों से मुलाकात की। मिश्रा ने पीड़िता के परिजनों से कहा कि आम आदमी पार्टी उनके संघर्ष में साथ है और जरूरत पड़ी तो आंदोलनात्मक कदम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार के विधायक का बेटा आरोपी है, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। बयान जारी कर विनय मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में पूरी तरह अराजकता का माहौल बन गया है। महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर एक की स्थिति में आ गया है। पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के बाद आप नेता विनय मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो पीड़ा उन्होंने परिजनों से बात करके महसूस की है, उसे व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। पूरा परिवार डरा हुआ है और उन पर इस मामले में कोई कार्रवाई के लिए मांग कर नहीं करने का दबाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले में पार्टी से ऊपर उठा कर निर्णय लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करती है और ये मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन करेगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो जयपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा भी केवल दिखावा कर रही है। मिश्रा ने कहा कि बीजेपी बजाय बीजेपी विपक्षी दल की भूमिका निभाने के आपसी झगड़ों में व्यस्त है और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कोई चिंता नहीं है। अब आप विपक्ष की भूमिका निभाएगी और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। इससे पहले अलवर पहुंचने पर विनय मिश्रा का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपके स्थानीय नेता महेंद्र मीना की अगुवाई में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। तो प्रशासन पे सरकार का पूरा दबाव है कोई कार्रवाई ना हो, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की निष्पक्षता पे बहुत बड़ा सवाल है। पीड़ित की मां ने एक आरोप लगाया कि वकील को खरीद लिया गया है, वकील अच्छे से अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं, क्या आपकी तरफ से कोर्ट में पैरवी की जाएगी? हमने बिल्कुल परिवार से कहा कि अगर परिवार को जरूरत पड़ेगी तो न्यायिक जो मदद चाहिए, अगर अच्छे से अच्छा लॉयर देंगे, अच्छे से अच्छा वकील देंगे। अगर परिवार को लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है ठीक से, तो हम अपना वकील देंगे, अपनी पार्टी का वकील देंगे, ताकि वो कोर्ट में जाके मजबूती से इनका पक्ष रख सके। अरे अमीन जी, ये तो एक केस है, लेकिन राजस्थान में अगर देखा जाए तो हर तरफ महिलाओं पर इसी तरह अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इसी तरीके से हर उत्पीड़न के लिए लड़ाई लड़ेगी? निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और जिस भी प्रदेश में अन्याय होगा आम आदमी पार्टी वहाँ जाएगी और वहाँ के लोगों को न्याय दिलाएगी। आज राजस्थान में हर जगह आप अखबार खोलो डेली, महिलाओं के प्रति तो इतना यहाँ क्राइम हो रहा है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप अखबार खोलिए डेली, आपको कोई ना कोई खबर महिला के पे अन्याय हुआ हुआ या क्राइम का मिलेगा। तो और अभी राजस्थान को सरकार इस में कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगी तो आम आदमी पार्टी का गलत कदम क्यों? हमने आपको बताया कि हम सीबीआई मांग करेंगे। पहले तो हम सीबीआई मांग करेंगे, अगर प्रशासन इस पे, अगर मुख्यमंत्री जी अगर गहरी सोई नींद से नहीं जागेंगे तो उनको जगाने के लिए हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। विनय जी, एक प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है, कायदे से ये सारे आंदोलन और इस तरह की न्याय की मांग उनको करनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को आगे आना पड़ा और आज वो मुखर रूप से आवाज़ उठा रही है? तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बिल्कुल शांत है? दोनों मिले हुए चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों मिले हुए, दोनों का काम एक, दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों का मकसद प्रदेश को ठीक से ठीक करना नहीं है, प्रदेश में अच्छी सरकार देने के लिए। दोनों का मकसद ये है कि एक बार तुम मुख्यमंत्री बनो, एक बार हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे में से अशोक जी बनेंगे तो सचिन जी लड़ाई करेंगे, अगर भाजपा में अगर वसुंधरा जी बनेगी तो गजेंद्र जी लड़ाई करेंगे। तो ये आपस में लड़ रहे हैं, इनका काम सिर्फ आपस में लड़ना रह गया, इनको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है, इनका यहाँ के लोगों के लिए कोई इनका मन नहीं करता काम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं दोनों में। सर, जो भी आरोपी है, बड़ा सवाल है कि राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे, क्या ऐसी कोई चर्चा हुई है? देखिए, यहाँ हम एक बेटी के न्याय के लिए आए हैं, राजनीतिक बात हम राजनीतिक मन से करें। सर, आप कांग्रेस विधायक के अलावा और भी दो